आइए कैमरामैन इधर आइए तो दिखाइए कैमरा। आप देख सकते हैं कि मैंने ये खुद से स्टैंड बनाया है, इसको हम चाहे तो इतना छोटा कर सकते हैं। और यहाँ पे पेन रखने वाला आप देख सकते हैं कितना लाजवाब है। तो यहाँ पे एक बोर्ड है, मैं उस पर बच्चों को पढ़ाता भी हूँ और बहुत से बच्चे पढ़ते भी हैं यहाँ पे। तो ये सारा सेटअप है, इसी पर मैंने मैनेज किया है छत के ऊपर क्योंकि हे गाइज वेलकम टू माई चैनल माई आर्ट एंड ब्लॉग। मेरा फर्स्ट ब्लॉग वीडियो होने वाला है तो मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि मैं कहाँ पर रहता हूँ, कैसे रहता हूँ और कैसे अपना वीडियो शूट करता हूँ। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे तो आपको पता होगा कि मेरा एक मेन चैनल है टेक्निकल आर 20 नाम से, मैं उस पर टेक वीडियोस बनाता हूँ। अभी उस चैनल पे स्ट्राइक पड़ी हुई है, तो स्ट्राइक से मतलब नहीं है, अभी 7 दिन से ज़्यादा हो गया है तो मैं एक दो वीडियो डाला हूँ बट अभी वीडियो बनाने का मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। मेरा ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं टेक वीडियोस बनाऊँ। तो और टेक वीडियोस बनाने में सोचना पड़ता है, बहुत ही सोचना पड़ता है कि कब शांति होगा तो कब वीडियो शूट करेंगे। बिकॉज़ मैंने छत पे सेटअप बनाया है तो यहाँ पे बहुत ही हल्ला गुल्ला होता है, बाहर की बहुत सारी नॉइज़ आती है। और मैंने छत पे सेटअप इसलिए बनाया था कि मैं शांति से वीडियो बना पाऊँगा छत पर, लेकिन नीचे से ज़्यादा छत पर हल्ला होती है, मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। तो मैं आपको दिखाऊँगा कि क्यों दिक्कत होती है, कैसे वीडियोज़ बनाता हूँ, क्या प्रॉब्लम्स होती है यहाँ पे गांव में, सारा कुछ मैं दिखाने वाला हूँ। सो गाइस मेरे गांव का नाम है दावा और ये है भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में, बिहार भोजपुर डिस्ट्रिक्ट आरा में पड़ता है। तो आप देख सकते हैं अभी मैं अपने छत पे खड़ा हूँ और छत पे वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग वीडियो है। तो आपको पता होगा कि अभी ब्लॉग वीडियो माई फर्स्ट ब्लॉग बहुत ही ट्रेंडिंग पे चल रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर दें। सो गाइज आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे, आपको दिखने में लगता होगा कि हम जंगल में खड़े हैं, तो ये मेरा छत है, मैं छत के पीछे सारा जंगल ही है। यहाँ पे ये कब्रिस्तान है, पीछे 14 बीघा में पूरा कब्रिस्तान है और हम लोग गांव के लास्ट छोर पर बसे हुए हैं। ये हमारे गांव से एकदम लास्ट छोर पे है और इधर आप देख सकते हैं ये सारा घर वगैरह हमारा ही है। तो हमारी बड़ी फैमिली है, कुछ घर ईंट का भी बन चुका है और कुछ घर मिट्टी का भी है। तो मिट्टी वाले घर में उधर गाय बकरी वगैरह ये सब रहती है और उधर जंगल वगैरह है, ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इधर पानी का टंकी वगैरह लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखता है मेरे गाँव छत पर से, मैं अभी आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इधर टावर वगैरह लगा हुआ है और ये जो है आप देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ये है हमारा सेटअप रूम, मैंने इसको बनाया था, ये इसी को बोलते हैं मड़ई, मैंने खुद के मेहनत करके बनाया था सारा बांस वगैरह काट के। तो इसमें ज़्यादा खर्च नहीं लगा था क्योंकि जो भी बांस वगैरह लगा हुआ है मेरे घर का बांस वगैरह था, तो मैंने खुद से सिर्फ मेहनत किया था और मैंने सेटअप बना लिया। तो आप देख सकते हैं, तो आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे वीडियो बनाता हूँ। सो आइए कैमरामैन इधर आइए तो दिखाइए। सो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन लगाया है और मेरे टेक वीडियोस में आप देखेंगे तो ये स्क्रीन आपको पीछे दिखाई देता होगा। तो मैं इस पर क्या होता है, ग्रीन स्क्रीन पे बनाने पे क्या होता है कि हम उसको बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं बट मैं नहीं कर पाता हूँ क्योंकि ये जो मेरा कपड़ा है उतना अच्छा कपड़ा नहीं है और परछाई वगैरह आ जाता है, तो जैसे जब ऐसे खड़ा होता हूँ तो पीछे परछाई आ जाता है तो मैं बैकग्राउंड चेंज नहीं कर पाता हूँ, परछाई वगैरह आ जाता है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि मेरे बैकग्राउंड में पीछे ग्रीन स्क्रीन ही दिखाई देता है। और कैसे मैं शूट करता हूँ अब देखते हैं, कैसे मैं शूट करता हूँ, कभी ऐसे बैठ के करता हूँ, जब छोटा स्टैंड था, स्टैंड टूट गया था तो मैं बैठ के ऐसे वीडियो बनाता था बट मैं खुद से ये स्टैंड बनाया, आप देख सकते हैं कि मैंने ये खुद से स्टैंड बनाया है, इसको हम चाहे तो इतना छोटा कर सकते हैं। अगर बैठ कर बनाना है तो ऐसे हम बनाते हैं, बैठ कर बनाना है तो हम इतना पर कर देते हैं और अगर खड़ा होकर बनाना है तो हम इसको इतना पे कर देते हैं। ये 6 से 7 फीट तक लंबा कर सकते हैं, जो हम ख़रीदते हैं उससे कहीं भी ख़राब नहीं है, उससे बहुत ही बेहतर है, हम इसको उसी तरह से यूज कर सकते हैं और मैं इसको निकाल भी सकता हूँ। ये मैंने छोटा वाला ट्राइपॉड ख़रीदा था उसमें से इसको लगा दिया मैंने, इधर ये जो पाइपिंग वगैरह होता है वायरिंग वगैरह उस वही वाला पाइप है, मैं इसमें लगा देता हूँ और शूट करता हूँ। और आप देख सकते हैं मैंने जो छोटा वाला ट्राइपॉड ख़रीदा था उसको यहाँ पे टांग दिया हूँ,
तो आप देख सकते हैं कि मैं एक ही ट्राइपॉड से डबल काम कर लेता हूँ। अगर पेंटिंग वगैरह का वीडियो बनाना है, ड्राइंग वगैरह बनाना है, तो मैं यहाँ पे मोबाइल लगाकर और यहाँ से इस पे रख के पेंटिंग वगैरह बना लेता हूँ। और ये टेबल मैंने खुद से ही बनाया है, सारा कुछ मैंने इस मड़ई में खुद से बनाया है। और यहाँ पे पेन रखने वाला आप देख सकते हैं कितना लाजवाब है। तो ये सारा कुछ मैंने बनाया है। और यहाँ पे एक बोर्ड है, मैं उस पे बच्चों को पढ़ाता भी हूँ और बहुत से बच्चे पढ़ते भी हैं यहाँ पे। तो ये सारा सेटअप है, इसी पे मैंने मैनेज किया है छत के ऊपर, क्योंकि नीचे में बच्चे होते हैं, बहुत हल्ला गुल्ला होता है। और ये मैंने एक ट्राइपॉड बनाया था और ये लाइट वाला बनाया था कि वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम हम इसको जलाकर वीडियो बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है, और मैंने इसके ढलाई करके बनाया है। और ये पंखा का फैन वाला है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ैन टंगा हुआ है। तो गर्मी के दिन में मैं इसी फ़ैन को चला लेता हूँ और गर्मी वगैरह लगती है। तो ये टूटा हुआ एक फ़ैन था, तो इसी को यहाँ पे मैंने लगा दिया है और यहाँ पे ढलाई कर दिया है, तो एक ट्राइपॉड बन गया। तो बस दिमाग लगाना है, कुछ भी हम बना सकते हैं घर पे। और ये मेरा जो फर्स्ट ट्राइपॉड है, मैंने इसको बाय किया था, सेल्फी स्टिक बाय किया था, और फिर मैंने इसमें पाइप लगा कर ऐसे इसको यहाँ पर ट्राइपॉड बना दिया था इतना बड़ा। तो चाहते हैं कि कुछ भी हम बना सकें। तो आपने देखा कि अभी बांस वगैरह ऐसे ही मड़ई में दिखाई दे रहा है। जी हाँ, मैंने इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं किया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो ऐसे ही मैंने किसी तरह से ऊपर से डालकर और ऐसे ही छोड़ दिया। और इसमें कपड़ा वगैरह ठोक देने पर अच्छा लगने लगेगा, बट इसमें मेहनत का काम है और पैसा का भी काम है, तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। और फिर बाद में, लेकिन बरसात में अगर पानी ज़्यादा बरसती है, आंधी वगैरह आता है, तो बहुत ही डर रहता है कि ये मड़ई उखड़ ना जाए। तो इसलिए मैं इसको अच्छा से नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मेहनत बेकार हो जाएगा, पैसा भी बर्बाद होगा, तो इसलिए छोड़ दिया हूँ। सो गाइस, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग और देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोग को सब कुछ दिखा दूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।